करीब 30 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन 121 मौतों का गुनहगार सूरजपाल उर्फ साकार हरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। जी मीडिया की टीम भी लगातार हर उस लोकेशन पर पहुंच रही है जहां पर बाबा के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बाबा किस गुप्त लोक में छिप गया है कोई नहीं जानता। वहीं पुलिस की टीमें कई जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन हाथरस का गुनहगार उसकी पकड़ से अभी तक दूर है। सामने से तो बाबा ने दरवाजे बंद कर रखे, लेकिन जी न्यूज पूरी कोशिश करता है कि अपने दर्शकों तक वो एक एक तस्वीर पहुंचाए, तो अब हम लोग एरियल तस्वीर पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। पर आप देखिए मीडिया के कैमरे हैं, आपको यहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो लोग हैं वो यहां से हट गए हैं। मैनपुरी, एटा, हाथरस, फतेहपुर, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, ये वो इलाके हैं जहाँ सूरजपाल उर्फ साकार हरी की तलाश तेजी से जारी है। पुलिस की कई टीमें साकार हरी को इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। कई गांव में पुलिस की लगातार दबिश जारी है। साकार हरी को करीब से जानने वालों के ठिकानों पर भी पुलिस की टीम दबिश दे रही है। हाथरस में जो हादसा हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। अंधविश्वास की दौड़ में जब भगदड़ मची तो शवों से पूरा इलाका पट गया और पाखंडी बाबा जो लोगों के जीवन की रक्षा करने का दावा करता था वो वहां से भाग खड़ा हुआ है। बाबा नहीं, बाबा तो यहाँ नहीं है, नहीं मिले, नहीं नहीं, कहां गए, आए तो फिर लापता कहां हो, अभी नहीं पता कहां गए कहां नहीं गए। लेकिन जब जी मीडिया की टीम बाबा के आश्रम पर पहुंची तो वहां मौजूद गार्ड और सेवादारों ने दावा किया कि बाबा आश्रम में आया था और फिर उन्होंने बाबा को जाते नहीं देखा। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। अच्छा बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, आप लोग कितने बार बोलो, आप सेवादार हैं, पुराने हैं, तो क्या पता चला कि यहीं पे हैं बाबा? यहीं पे? हाँ यहीं पे, आश्रम में ही हैं। ये बयान कई सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा साकार हरी कहाँ है। सवाल ये कि बाबा आश्रम आए तो कहाँ गए, क्या आश्रम में कोई सुरंग है, क्या सुरंग से बाबा कहीं निकल गए, क्या आश्रम में कोई गुप्त लोक है, आश्रम में बाबा को किस किसने देखा, सेवादारों ने बाबा को आश्रम में कब देखा, पुलिस को बाबा आश्रम में क्यों नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बाबा साकार हरी घटनास्थल से दोपहर में ही निकल गया था, जिसके बाद उसके फोन को ट्रेस किया गया, जिसमें सामने आया कि मौके से बाबा 1:40 पर निकल गया। इसके बाद उसने कार्यक्रम के आयोजकों से बात की। 2:48 पर उसने आयोजक देव प्रकाश मधुकर को फोन किया। इसके बाद 3 से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में उसकी लोकेशन मिली। इस दौरान बाबा ने 3 फोन नंबरों पर बात की, जिसमें पहला नंबर महेश चंद्र का था जिससे 3 बात हुई, दूसरा नंबर संजू यादव का था जिससे केवल 40 बात हुई, तीसरा नंबर आयोजक देव प्रकाश की पत्नी रंजना का था जिनसे सबसे ज्यादा 11:33 बात हुई। इसके बाद 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया। इसके अलावा भी 2 अन्य नंबरों पर बात किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस पाखंडी बाबा को तलाश पाने में नाकाम साबित हुई है। पुलिस ने बाबा की तलाश के लिए 40 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया है, जो सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी भी आशंका जताई गई है कि बाबा दिल्ली या हरियाणा की तरफ भाग गया है, लिहाजा वहां के टोल प्लाजा की फुटेज भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।